ठीक है जाओ। इधर किरणवती चलने ही वाली थी तब तिलक क्या हुआ, परमात्मा की लीला, नारद बाबा आ गए। और जिस समय नारद बाबा प्रकट हुए, सत्यकेत ने प्रणाम किया, किरणवती ने प्रणाम किया नारद बाबा को लेकर के। महाराज सत्यकेत जाकर के अपने राज सिंहासन पर बैठ गए। महाराज नारद बाबा को भी बिठाया। अब नारद बाबा ने जब महाराज सत्यकेत को देखा तो कहने लगे, राजन क्या बात है, आज आप बड़ा दुखी हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं महाराज, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम्हें कोई चिंता है, बताओ क्या बात है? कहा महाराज कोई बात नहीं। नारद बाबा ने कहा हमसे छुपा रहे हमसे? एकदम नारद बाबा बोल पड़े, महाराज सत्यकेत से, सुनो राजन, तुम भले ही मुझे ना बताओ लेकिन मैं जान गया कि बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। नहीं महाराज, बीमारी कोई नहीं, कोई दुश्मन तैयार हुआ, कोई दुश्मन नहीं। फिर बात क्या है, जब बहुत पूछा नारद बाबा ने तो महाराज सत्यकेत ने कहा, बाबा तुमने ठीक पहचाना, हमें दुख है तो कहा किस बात का, राजा होते हुए किस बात, एक संतान नहीं और एक संतान के बिना ये धन दौलत राजपाट सब बेकार, सब कुछ बेकार। पुत्र होता लेकिन ये राजपाट धन दौलत ना होता तो महाराज मुझे कोई निर्वंशी तो न कहता। लेकिन आज लोग मुझे निर्वंशी कह रहे हैं, मेरे पत्नी को बांझ के मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख। और जिस समय इतनी बात कही तो नारद बाबा ने कहा, देखो हम तुम्हें एक बात बताएं, एक उपाय बताएं, अगर तुम करो तो तुम्हारे घर में संतान होगी। तो कहा कौन सा उपाय? कहा ऐसा करो, जाओ और जाकर के अपनी पत्नी के साथ में अगर तुम जाकर के जंगल में तपस्या करो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे घर में संतान होगी। हाँ ये नहीं बता सकता कि पुत्र ही होगा, पुत्री भी हो सकती है। सत्यकेत ने कहा, महाराज चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, पुत्री होगी तो तब भी हमारा निर्वंशी नाम मिट जाएगा और पुत्र होगा तब भी निर्वंशी नाम मिट जाएगा। तो कुछ हो जाए, कुछ भी हो, पुत्री हो या पुत्र हो, तो कहा ठीक है फिर जाओ और जाकर के तपस्या करो। नारद बाबा इतना कहकर के चले गए। महाराज सत्यकेत जाते हैं अपनी किरणवती के पास, पत्नी के पास जाकर के सारी बात बताई तो किरणवती ने कहा ठीक है स्वामी, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आज
महाराज सत्यकेत रानी किरणवती दोनों लोग जाते हैं जंगल को तपस्या करने के लिए। राजपाट छोड़ दिया और जंगल को तपस्या करने के लिए चले गए। हमने आपको बतलाया था कि इस संसार में मेरे भाई कोई सुखी नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो, और चाहे कितना बड़ा कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर दुखी आदमी से जिसके पास में धन दौलत ना हो, भले ही मजदूरी करके खाता, उससे जाकर के पूछो भैया क्या हाल है, तो यही कहेगा कि महाराज क्या हाल है, बस जीवन कट रहा है। और अगर बड़े से बड़े धनवान के पास आप पहुंच जाओ, उससे जाकर के पूछो कि तुम्हारे जीवन में क्या हाल है, तो यही कहेगा भैया कट रही किसी प्रकार से। यानी सब कुछ होते हुए फिर भी कट रही, लेकिन हर सुख परमात्मा किसी को नहीं देता। कोई ना कोई दुख जीवन में तो बना ही रहेगा। कोई संतान से दुखी है तो कोई संतान को दुखी है, कोई संतान से दुख कोई संतान को। किसी के पास में धन दौलत है तो दुखी है, और जिसके पास धन दौलत नहीं है वो भी दुखी है। किसी के घर में पुत्र है तब भी दुखी है, और किसी के पुत्र नहीं है तब भी दुखी है। कोई भैया सुखी है इस दुनिया में? कोई सुखी नहीं। सर्व सुख परमात्मा किसी को नहीं देता है। आज महाराज सत्यकेत चल पड़े हैं पत्नी को लेकर के, किरणवती को लेकर के घनघोर जंगल में जाकर के पहुंचे और बैठ करके तपस्या करने लगे। पहले तो उन्होंने भोजन किया, पानी पिया, लेकिन फिर विचार किया कि भोजन करूंगा तो शायद भगवान हमारी न सुने, इसलिए भोजन करना छोड़ दिया। और जब भोजन करना छोड़ा तो केवल वारी बताशों को खा करके रहे। वारी बताशा जानते भैया? वारी बताशा कछु दिन भोजन वारी बताशा, ओ कछु दिन सहे कठिन वो प्रवास। कुछ दिनों तक भोजन किया लेकिन फिर भोजन करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वारी बताशों को खाया। वारी बताशे आप जानते हो, कई बार हमने बतलाया भी है, आपने देखा होगा, अगर पृथ्वी पर कहीं जल भरा हो, अगर ऊपर से बूंद पृथ्वी पर जो जल भरा है जब उस जल में गिरती तो एक पानी का बुल्ला सा बन जाता, बरसात में ज्यादातर दिखाई देखने को मिलता है, उसी को कहा गया है वारी बताशा। तो कुछ दिनों तक महाराज सत्यकेत और किरणवती ने उन वार बताशों को खाया, लेकिन फिर देखा कि सफलता नहीं मिल रही तो वारी बताशों को खाना छोड़ दिया। अब क्या करते, कठिन उपवास किया, न तो भोजन किया न तो जल पिया, कुछ भी नहीं, कठिन उपवास, न कुछ खाया न कुछ पिया। साधु संत महात्माओं को मालूम चला, मालूम पड़ा कि आज महाराज सत्यकेत अपनी पत्नी को साथ में लेके जंगल में तपस्या करने आए। तो हर संत सोचने लगा कि भाई महाराज सत्यकेत के जीवन में ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी तो चले आए तपस्या करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऐसे ही ये हवा फैला दी हो, चलो भाई चल करके देखते। जहाँ पर बैठे थे महाराज सत्यकेत, धीरे धीरे एक एक साधु संत महात्मा वहां पहुंचने लगे, और जब पहुंचने लगे तो जो जाता सो देखता वास्तव में, तो विचार किया कि अब यहाँ से हम सबका लौटना भी ठीक है, क्योंकि हमारे राजा बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इनका कुछ सहयोग कर दे, कुछ सहयोग कर दे। जैसे कि आप 50 किलो गेहूं की बोरी उठा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, और आप उठा ना पा रहे हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल काम, हालांकि उठाओगे तो है ही, लेकिन देर लगेगी उठाने में। तो अगर किसी ने देखा कि भैया 50 किलो की बोरी उठा रहे, इनको देर लगेगी उठाने में, उठा नहीं पाएंगे, तो लो थोड़ा हाथ लगा देते हैं,
और जब वो हाथ लगा देगा तो बताओ वो अनाज की बोरी जो है, गेहूं की बोरी जो है 50 किलो की, उसको तुम्हारे सर पर तुरंत पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी? और वैसे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पता लगे उठाए फिर गिर गई, फिर उठाए फिर गिर गई, ऐसा होता कि नहीं होता? और अगर कोई थोड़ा सहयोग कर दे तो तुरंत सर पर आ जाएगी। आज शारदा संत महात्माओं ने सोचा कि महाराज तपस्या कर रहे हैं, खैर जिस काम के लिए तपस्या कर रहे हैं इनका काम होगा लेकिन देर से होगा, तो चलो ऐसा करते थोड़ा थोड़ा हम लोग भी जोर लगा देते, थोड़ा सहयोग कर देते हैं तो इनका काम जल्दी हो जाएगा। तो सहयोग किया गया, वहां पर कोई बोरी थोड़ी उठानी थी, क्या सहयोग किया? जाकर के जब बैठे इधर महाराज सत्यकेत रानी किरणवती तो तपस्या कर रहे हैं और साधु संत महात्मा जो जाकर के बैठे तो वेद और मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। इतना तो किया ही और क्या किया? देखिए हमने आपको कहा था संत कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, सब हमारे आपके कल्याण के लिए करता है। उन संतों ने कहा जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमने आज तक जितनी तपस्या की है, जितना पूजा पाठ किया है महाराज, उस सब पूजा पाठ का फल, उस तपस्या का फल इस राजा की मनोकामना को पूरा करने में लग जाए। बताओ भैया भला ऐसा उपकार कोई करेगा? ऐसा उपकार कोई करेगा? पूजा करे कोई दूसरा और फल दे दे दूसरे को, ऐसा हो सकता है क्या? वही तो हम कहते हैं ना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है भैया। संत अपने लिए कुछ नहीं करते, सब हमारे आपके कल्याण के लिए करते। इसलिए उन संतों ने कह दिया कि जितना हमने पूजा पाठ किया, जितनी हमने तपस्या की, उस सब तपस्या का फल इस राजा की मनोकामना को पूरा करने में लग जाए। और जब फल लगा, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, भगवान की कृपा हुई, संतों का आशीर्वाद मिला, तो किरणवती शशि प्रिया संत का दर्शन हो गया मेरा जीवन तो धन्य हो गया। ये बात भगवान शंकर ने भी कही थी। कब? जब अगस्त ऋषि के वहां से कथा सुन के जा रहे थे तो भगवान राम ने दर्शन दिया था। और जब दर्शन दिया था तो कहा भगवान शंकर ने कि हे प्रभु वाह तुम्हारी कथा में कितनी ताकत है महाराज, कितनी दम है। एक तो कथा सुन के आ रहा हूँ, दूसरे आपका दर्शन हो गया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और अगस्त ऋषि ने भी ये बात कही थी। जब भगवान शंकर अगस्त ऋषि के वहां गए तो अगस्त ऋषि ने भी कहा वारे प्रभु आपकी कथा में कितनी दम है, आपकी कथा को सुना तो भगवान आपकी कथा को सुनाए तो भगवान शंकर का दर्शन हो गया, अगर आपकी कथा में ना सुनाता तो शायद भगवान का दर्शन, शंकर का दर्शन मुझे नहीं होता। तो आपकी कथा में कितनी दम है महाराज। आज इधर महाराज सत्यकेतु रानी किरणवती जब तपस्या करके आंखें खुली, सामने देखा सातों संत महात्माओं की भीड़ को देखा तो बड़ा मगन हो गए। एक तो तपस्या की और दूसरे संतों का दर्शन मिल गया, मैं धन्य हो गया, संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। और कहा महाराज अब जाएं। संतों ने कहा राजन तुम जिस काम के लिए आए थे तुम्हारा काम तो हो गया, अब तो तुम जाओ। महाराज सत्यकेतु अपनी पत्नी किरणवती को साथ में लिया और चले आए अपने राजमहल। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भैया समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती। आज पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि महाराज सत्यकेतु की पत्नी किरणवती गर्भ से है। सारे नगरवासी बड़ा प्रसन्न है। आज वही नारियां कौन सी जो महाराज सत्यकेतु को निर्बंसी कहती थी, किरणवती को बांच कहती थी, आज वही नारियां आकर के महाराज सत्यकेतु के घर में सगुन गीत गा रही। भला बताओ
ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए जो दोबारा कभी उसके सामने जाना पड़े तो वही बात याद आ जाए तो सर झुक जाए। बोलो ऐसी बात कहनी चाहिए, ऐसी बात कभी किसी से मत बोलो मेरे भाई, क्योंकि भगवान से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। और ये बात हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है कि जिस चीज से आप दूर भागोगे वो चीज लौट फिरकर तुम्हारे सामने जरूर आएगी। जितने ही तुम दूर भागोगे, जितने ही तुम सोचोगे कि ये हमारे पास ना आवे, लेकिन वो घूम फिर कर तुम्हारे पास आएगी, कैसे भी आए लेकिन आएगी। ए भैया, परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं। आज वही नारियां आकर के महाराज सत्यकेत के घर में सगुन गीत गाती, लेकिन फिर भी महाराज सत्यकेत को देखिए, आती है नारियां, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन महाराज सत्यकेत ने ये नहीं कहा कि तुम तो हमें निर्वंशी कह रही थी, तुम हमारे घर नहीं आओगे। बराबर जैसा बर्ताव महाराज सत्यकेत पहले करते थे वैसा बर्ताव आज भी कर रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज सत्यकेत समझ रहे हैं कि गलती इनकी नहीं, गलती हमारे समय की, हमारे प्रारब्ध की, हमारे किस्मत की गलती है। अगर हमारी किस्मत में ऐसा न लिखा होता तो आज मुझे ऐसा क्यों कहती भैया? तो सारी गलती हमारे किस्मत की, मेरी गलती, इनकी कोई गलती नहीं है। बराबर सम्मान देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जब समय व्यतीत होने लगा तो महाराज, जब समय पूरा हुआ तो किरणवती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। और जिस समय कन्या को जन्म दिया, बहुत सुंदर है वो कन्या, राजा सत्यकेत ने देखा मेरे घर में लक्ष्मी जैसी बेटी आई है। आज बड़ा धूमधाम से जब जन्म हुआ, खूब गोले पटाखे बारूद जो भी था, बड़ा उत्सव मनाया, नगरवासी बड़ा प्रसन्न है। ए भैया जरा विचार करना, बेटी बेटे से कहाँ कम है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र जो है, पुत्री जो है, पुत्र से कहाँ कम है, क्योंकि अब तो दीवालों पर भी लिखवा दिया गया बेटा बेटी एक समान। बोले एक समान है, एक समान समझना भी चाहिए, क्योंकि आप चाहे जो विभाग ले लीजिए, चाहे डॉक्टरी विभाग ले लो, चाहे पुलिस विभाग ले लो, चाहे मिलिट्री विभाग ले लो, कोई भी विभाग आप ले लीजिए, अगर